दिल्ली हाई कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली सरकार के कामकाज की खोज खबर ली और कैबिनेट मीटिंग के बारे में तीखे सवाल पूछे, केजरीवाल सरकार में खलबली मच गई। वजह ये कि केजरीवाल की सरकार में फैसले कैबिनेट मीटिंग से ज्यादा कैबिनेट नोट के सहारे किए जाते हैं। मतलब कि मीटिंग न चर्चा, न बहस, न प्रेजेंटेशन, फैसला झटपट कर लिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में ज्यादातर कैबिनेट के फैसले बिना मीटिंग के ही हो रहे हैं। पिछले 2.5 साल में ज्यादातर कैबिनेट के फैसले मंत्री परिषद की बैठकों में चर्चा करके नहीं, बल्कि मंत्रियों के बीच कैबिनेट नोट्स भेज कर लिए गए। सूत्रों का दावा है कि 2022 में जहां 17 फैसले कैबिनेट नोट्स के जरिए लिए गए, तो वहीं कैबिनेट की बैठक में सिर्फ 21 फैसलों पर मुहर लगी। 2023 में तो ये आंकड़ा घटकर मात्र 5 रह गया, वहीं कैबिनेट नोट्स के जरिए 29 फैसले लिए गए। 2024 में भी अब तक 15 फैसले इसी तरह लिए जा चुके हैं, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक में सिर्फ 6 फैसले हुए हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, सरकारी विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स, नई अदालत का निर्माण और सौर ऊर्जा जैसी नीतियों पर लंबे समय से विचार चल रहा था। मंत्रिपरिषद से पहले ही इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में कहा कि कैबिनेट नोट्स के जरिए फैसले लेने के निर्णय प्रक्रिया में तेजी आती है और नीतियों का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो सकता है। ऐसी नीतियां जिन पर पूरी तरह से स्पष्टता हो और जिन्हें लागू किया जाना तय हो, इनके लिए बैठकें करने की जरूरत नहीं होती। ये काम कैबिनेट नोट्स के जरिए आसानी से हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने आगे कहा कि जनहितैषी नीतियों से दिल्ली वासियों को काफी फायदा हुआ और इसके लिए कैबिनेट बैठकें करने की जरूरत नहीं थी। दरअसल दिल्ली में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच अलग अलग मुद्दों पर टकराव जगजाहिर है और इसी कड़ी में नौकरशाहों और मंत्रियों के बीच भी तनातनी आम बात है। कैबिनेट की बैठकों में वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद बुलाया जाता है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अपने विचार का उन्हें मौका दिया जाता है। ये बैठकें सभी मंत्रियों को नीतिगत मामलों पर विस्तृत चर्चा में हिस्सा लेने और विचार रखने का मौका देती हैं। ज्यादातर मामलों में बैठक का एजेंडा पहले से तय होता है। चर्चा किए जाने वाले सभी प्रस्तावों के प्रति मंत्रियों को एक बार साझा कर दी जाती है। अधिकारियों का कहना है कि कभी कभी बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण मुद्दों को अध्यक्ष की अनुमति से सीधे बैठक में लाया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित मंत्री या विभागीय सचिव नीति पर एक प्रेजेंटेशन देते हैं। कभी कभी कैबिनेट नोट को मंत्रिपरिषद के कुछ सुझावों और विचारों के साथ वापस कर दिया जाता है और अगली बैठक में फिर से पेश किया जाता है। उन्होंने बताया कि कम बैठकें होने से अब इस तरह की चर्चा नहीं हो पाती। नौकरशाहों का ये भी कहना है कि जिन परियोजनाओं और नीतियों का वित्तीय असर बहुत ज्यादा होता है, उन पर कैबिनेट की बैठकों में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। 2022 में जहां 6 कैबिनेट बैठकें हुई, वहीं 2023-24 में अब तक सिर्फ 2-2 बैठकें हुई। इस साल मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक 7 मार्च को हुई थी। ये बैठक शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2 हफ्ते पहले हुई थी। यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दिए थे कि वक्फ बोर्ड कभी किसी पूरे गांव को अपनी संपत्ति घोषित करने लगा तो कभी किसी मंदिर को ही अपनी प्रॉपर्टी घोषित करने लगा। सरकारी जमीनों पर अब तक बोर्ड ने बेशुमार दावे कर डाले, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की इन मनमानियों पर केंद्र सरकार अंकुश लगाने जा रही है। मोदी सरकार के संसद के जारी मानसून सत्र में वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि 2 अगस्त को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना है। वक्फ के इन दावों के कारण अक्सर विवाद और समानांतर कानून व्यवस्था चलाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केंद्र इस निरंकुशता को खत्म करना चाहता है। एनडीए सरकार इस संशोधन को 5 अगस्त 2024 को संसद में रख सकती है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया था। इसके बाद पीएम मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए या किए जाने वाले दावों का सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इससे विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड द्वारा जमीनों और अन्य संपत्तियों के लिए किए जाने वाले दावों पर अंकुश लगेगा और इससे विवादों को रोकने में भी मदद मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया एवं बोहरा जैसे विभिन्न फिरकों की ओर से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग की गई थी। संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनावों से काफी पहले शुरू हो गई थी। सूत्र ने यह भी कहा कि ओमान, सऊदी अरब जैसे किसी भी इस्लामिक देश में इस तरह की इकाई को इतने अधिकार नहीं दिए गए। विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड के पास इस समय करीब
870,000 संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों का क्षेत्रफल करीब 940,000 एकड़ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्ड की शक्ति के दुरुपयोग का संज्ञान लिया था और वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी संपत्ति पर दावा करने पर अधिकांश राज्यों में इन संपत्तियों के सर्वे में देरी होती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट्स को शामिल करने की संभावना पर विचार किया था। वक्फ बोर्ड के लिए किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास हो सकती है। ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं होती, कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद इसका केंद्रीकरण हुआ। वक्फ एक्ट 1954 और वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव का काम करता था। इसके बाद इसमें कई बार संशोधन हुआ। साल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और अधिकार दे दिए थे। इसे साख बचाने की चिंता कहें या फिर सियासत की मजबूरी, जिस वजह से ममता बनर्जी को अपने एक मंत्री को कैबिनेट से निकालने का फैसला लेना पड़ा। असल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री अखिल गिरी की विवादित टिप्पणियों की वजह से ममता सरकार की पूरे राज्य में फजीहत हो रही है। विपक्षी बीजेपी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर काफी आक्रामक है। बीजेपी के दबाव की वजह से ममता बनर्जी को आखिरकार अपने मंत्री को इस्तीफा देने का आदेश देना पड़ा। असल में टीएमसी जेल मंत्री अखिल गिरी को कैबिनेट से हटाने का फैसला करने जा रही है। एक महिला फॉरेस्ट अधिकारी को लेकर अखिल गिरी की अभद्र टिप्पणी और धमकी देने के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि टीएमसी नेतृत्व को राज्य मंत्री अखिल गिरी से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि अगर गिरी इस्तीफा नहीं देते हैं तो उस स्थिति में ममता बनर्जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरी एक महिला वन अधिकारी को धमकी देने के बाद विवादों में आ गए, जहां महिला अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के ताजपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए काम कर रही टीम का नेतृत्व कर रही थी। महिला वन अधिकारी का नाम मनीषा शॉ बताया जा रहा है। महिला अधिकारी मनीषा ने बताया कि हम वन भूमि को मुक्त कराए जाने के लिए काम पर थे, जिस पर हमारी बार बार चेतावनी के बाद भी जबरन अतिक्रमण किया गया था। उसी ऑपरेशन के दौरान गिरी मौके पर पहुंचे और वन विभाग की टीम के साथ बहस की। वो महिला वन अधिकारी से कहते हुए देखे गए, आप सरकारी कर्मचारी हैं, बोलते समय अपना सिर मेरे सामने झुकाएं, देखिए एक हफ्ते में आपका क्या हाल होता है। ये गुंडे सुनिश्चित करेंगे कि आप रात को घर ना जा पाएं। अपना व्यवहार सुधारें, नहीं तो आपको मैं डंडे से पीटूंगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस समेत सभी दलों ने गिरी की आलोचना की। टीएमसी ने अखिल को अपने कृत्य के लिए रेंज अधिकारी मनीषा से माफी मांगने का आदेश दिया। ध्यान न देने के लिए अखिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया। अब सवाल यह है कि अखिल गिरी अपने पद से इस्तीफा देना पसंद करेंगे या फिर ममता बनर्जी उन्हें बर्खास्त करने के लिए मजबूर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मोदी सरकार 3.0 वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन करने जा रही है और इस बात की भनक लगते ही अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक बेचैन हो गए। इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। इसको लेकर अब सियासी पारा बढ़ने लगा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि अगर कोई बिल संसद में आया तो पूरा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा की तरह साजिशें करती रहती है और लोगों के बीच फूट डालने का काम करती है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सरकार अगर वक्फ कानून में कोई बदलाव करना चाहती है तो उसे मुसलमानों से बात करनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल लाया जाता है तो हम उसका विरोध करेंगे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने भी कहा कि कोई भी बिल संबंधित धर्म के कानून और नियमों को ध्यान में रखकर पेश किया जाता है। संविधान के अनुसार कोई भी धर्म हो या उनकी भावना का ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई भी मस्जिद या मदरसा यूं ही नहीं कहता कि ये संपत्ति किसी की है। वक्फ आयुक्त एक राजपत्रित अधिकारी है, वो सभी दस्तावेजों को ठीक से अध्ययन करता है और फिर वो कुछ भी निर्णय लेता है। ओवैसी ने मीडिया में चल रही वक्फ की संपत्ति और शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित करने की खबरों पर ओवैसी ने कहा कि सबसे पहले जब संसद का सत्र चल रहा है तो केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम क्यों कर रही है? वो संसद को इस विषय में सूचित न करके आखिर क्यों मीडिया में बातों को लीक करने का आखिर क्या मतलब है? मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के आधार पर जब मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और उनकी शक्तियों को हस्तक्षेप करना चाहती है,
ओवैसी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि दूसरी बात ये कि भाजपा और संघ शुरू से ही इन बोर्ड्स और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रहे हैं और उनका हिंदुत्व एजेंडा है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो वहां प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और अगर वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा तो वक्फ की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और अगर ऐसा होता है तो ये अराजकता की स्थिति को जन्म देगा। ओवैसी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहेंगे कि संपत्ति विवादित है, हम इसका सर्वे कराएंगे। सर्वे बीजेपी के सीएम कराएंगे और उसका नतीजा क्या होगा आप जानते हैं। हमारे भारत में ऐसी कई दरगाहें हैं जहां बीजेपी आरएसएस का दावा है कि यह दरगाह और मस्जिद नहीं, इसलिए कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड एक मायने में दूसरों की जमीन हड़पने का माध्यम भर बनकर रह गया है। वजह ये कि वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार हैं कि उसके कह भर देने से कोई भी किसी की भी जमीन पर उसका कब्जा हो जाता है। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु एक पूरा हिंदू गांव, सूरत में सरकारी इमारतें, बेंगलुरु में तथाकथित ईदगाह मैदान, हरियाणा में जठलाना गांव, हैदराबाद का 5 सितारा होटल आदि शामिल है जिस पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। बड़ी बात यह कि दावा ठोकने के लिए वक्फ को किसी दस्तावेज या सबूत की जरूरत नहीं पड़ती और इस तरह के अधिकार कांग्रेसी सरकार ने समय समय पर देकर वक्फ बोर्ड को देश का सबसे बड़ा लैंड माफिया बना दिया। वक्फ के द्वारा भूमि हड़पने की 3 सबसे बड़े सामान्य रूप हैं, किसी भूमि पर कब्रिस्तान के रूप में दावा करना, मजार दरगाह बनाना और सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ना। सार्वजनिक जमीन पर शायद इसलिए नमाज पढ़ी जाती ताकि उसे वक्फ संपत्ति के रूप में दावा उसका किया जा सके। पिछली कुछ स्थितियां और दावे इनसे संबंधित और इससे भी बढ़कर मिले हैं। इन घटनाओं से पता चलता है कि गैर समायोजित कानून और इसके द्वारा बनाया गया भूमि हड़पने वाला भ्रष्ट अभिजात वर्ग सामाजिक संघर्ष और सांप्रदायिक वैमनस्य के लिए हिंदुओं की संपत्ति के खिलाफ एक सोचा समझा तंत्र है। वक्फ संस्था कानूनी रूप से अनावश्यक है। वक्फ की कानूनी संस्थाएं और बोर्ड की नौकरशाही का अस्तित्व सिर्फ इस्लामवादी राजनीति के लिए एक गढ़ के रूप में ही समझ में आता है। हालांकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक तर्कसंगत कानूनी प्रणाली को आम हित में काम करना चाहिए, सिर्फ पहचान को चिन्हित करने वाले रूप में नहीं। वक्फ का कानून आज जिस स्थिति में है वो सार्वजनिक शांत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरनाक है। ये निजी संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है और संभावित रूप से चरमपंथी राजनीति को प्रोत्साहित करता है। वक्फ अधिनियम 1995 और वक्फ न्याय शास्त्र आज जिस स्थिति में है वो स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये अधिनियम एक समुदाय की संपत्ति और धार्मिक प्रतिष्ठानों के एक वर्ग को बहिष्कृत करने के लिए प्रक्रियात्मक और वास्तविक सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रणाली बनाता है। वक्फ मशीनरी कैसे काम करती है इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक जमीन है, भूमि का अच्छी तरह से सीमांकन नहीं किया गया और संभवतः विवादित भी है क्योंकि इसे वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा विवादित बनाया जा सकता है और इसके लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता भी नहीं। फिर वो इसे वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कराता है। बोर्ड भूमि के बारे में पूछताछ करने के लिए बाध्य है और यदि आपको पता चलेगा तो आप पंजीकरण का विरोध भी कर सकते हैं। हालांकि निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड के पास है, वो भूमि वास्तव में वक्फ संपत्ति है या नहीं, जैसे कि पहले निर्दिष्ट किया गया है कि वक्फ बोर्ड एक राजनीतिक निकाय है जिसे वक्फ की रक्षा और बढ़ावा देने का अधिकार है। देश भर में ऐसे हजारों मंदिर और धर्मस्थान हैं जिन्हें खंडित करके उन पर मस्जिद थोप दी गई। मथुरा का शाही ईदगाह, वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद, अयोध्या में कभी बाबरी मस्जिद, धार की भोजशाला, ये सब नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी बल्कि मुस्लिम आक्रांताओं के विजय की निशानियों में हमारे मुख्य तीर्थस्थलों को परिवर्तित किया गया था। आज ये सब वक्फ के कब्जे में है।